1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. 10 साड़ियाँ दिखाने वाली हूँ, बहुत स्पीड में दिखानी पड़ेंगी. स्टार्ट करते हैं. हाय एवरीवन, दिस इज पिया. स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल फाइंडिंग हैप्पीनेस विद पिया में. सो थंबनेल और टाइटल आप ऑलरेडी देख के आए हैं. छोटा सा एक इंट्रो मैंने पहले से दे दिया है, इसलिए बिना ज़्यादा बकवास करे सीधे पॉइंट पे आती हूँ. सीधे साड़ियाँ दिखाना स्टार्ट करती हूँ, बिकॉज 10 साड़ियाँ हैं. स्पेशली फॉर ऑफिस गोइंग गर्ल जो होती हैं या जो स्कूल लड़कियाँ पढ़ाती हैं, स्पेशली उनके हिसाब से करी हैं. एंड इसके अलावा जैसे मैं ना ऑफिस जाती हूँ ना स्कूल जाती हूँ, बट मुझे ये प्रिंट स्पेशली बहुत पसंद आते हैं. अजरक प्रिंट हुआ आपका, कलमकारी प्रिंट हुआ, जो इंडियन प्रिंट्स होते हैं, पता नहीं क्यों मुझे उनसे बहुत दिल से बहुत ज़्यादा प्यार है, बिकॉज वो आपको नॉर्मल से अलग दिखाते हैं. सेकेंड, इस वाली साड़ी में आई थिंक मेरा ये थर्ड वीडियो बन रहा है यूट्यूब का, बिकॉज मुझे आज शाम को 8 बजे घर जाना है, 6 बजने वाले हैं, तो मुझे लगा एक वीडियो और शूट कर लेती हूँ, लालच आ गया. तो एक इससे पहले कर चुकी हूँ, लाइक मेरे 4 वीडियो हो चुके हैं, मतलब एडवांस वाले, एंड एक दो वीडियो घर जाके बना लूँगी, तो आपके पास इस बार कंटिन्यू वीडियो आएंगे. तो स्टार्ट करती हूँ अपनी फर्स्ट साड़ी से. फर्स्ट ये ग्रीन कलर की साड़ी है, इसका वीडियो मैं शॉर्ट कोई डाल चुकी होंगी इंस्टा पे, तो डेफिनेटली डाल चुकी हूँ मैं, देख लेना. अगर इंस्टा पे फॉलो नहीं करते देन डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, फाइन याली रजावत मेरी आईडी है. तो ये जो साड़ी है, लाइक 500 या 600 की साड़ी है, प्योर कॉटन मटेरियल है, एंड इतनी प्यारी साड़ी, कॉटन की साड़ी होकर भी बिल्कुल बॉडी से चिपक जाती है. आई थिंक ये कॉटन प्लस लीनियन मिक्स है. इसका कलर देखो कितना ज़्यादा प्यारा है, इसका बहुत सुंदर कलर लगता है, बहुत ही ब्राइट सा. इसके पल्लू पे ये फ्लावर बने हुए हैं, एंड यहाँ पे ये टेसल लगे हुए हैं. इसका ब्लाउज़ मैंने ब्लाउज़ कलेक्शन वाली वीडियो में ऑलरेडी शेयर कर दिया आपके संग. इसको आप ऑफिस के पर्पज से कैसे पहन सकते हैं या इनमें से किसी भी साड़ी को ऑफिस के लिए किस तरह से पहन सकते हैं, ये वीडियो इस वीडियो के बाद आएगा या और एक दो वीडियो बाद आएगा. मतलब अभी तो मैं घर चली जाऊँगी, बट घर से जब वापस आऊँगी तब आपके लिए वो वाला वीडियो लेके आऊँगी. तो इसका प्राइस मैं स्क्रीन पर मैंशन कर दूँगी. पहन के इसका लुक साथ में ट्राई ऑन लगाती जा रही हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाए कि इसका लुक कैसा है. एंड यस, ये है हमारी फर्स्ट साड़ी. तो बात करते हैं सेकंड साड़ी की. सेकंड साड़ी जो है, अगेन ये भी कॉटन की साड़ी है, एंड 400 या 500 के अंदर है. स्पेशली फॉर ऑफिस गोइंग गर्ल या फिर जो लड़कियां स्कूल पढ़ाने जाती हैं, स्पेशली ज़्यादा बेस्ट होगी ये. इसकी ये जो इसका जो पल्लू है, इसके पल्लू पर रानी कलर एंड इतने सारे कलरफुल टेसल्स हैं. साड़ी की जो लेंथ वगैरह है वो सब कुछ पूरी है. इसमें आप किसी भी कलर का, लाइक आप इस कलर का ब्लाउज पहन लें, आप इस कलर का पहन लें, इस कलर का, इस कलर का, इस पर सब कुछ अच्छा लगेगा. सो यू कैन ट्राई दिस. अगर आप स्कूल गोइंग गर्ल हैं, अगर आपको डेली फ्रीक्वेंटली साड़ी चेंज करनी पड़ती है बार बार, तो कपड़ा बहुत अच्छा है. और मेरे रिकमेंडेशन पे अगर आप कभी कुछ भी ट्राई करोगे तो डिसअपॉइंटमेंट कभी नहीं मिलेगी आपको, ये मेरी तरफ से श्योरिटी है बिल्कुल. तो हाँ, आप ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हैं. बात करती हूँ नेक्स्ट साड़ी की. इस साड़ी, ये साड़ी मैंने आपको इससे पहले एक ऑफिस के लुक में दिखाई थी. अब इसके ब्लाउज सहित मैं आपको इसको किसी और वीडियो में दिखाऊंगी प्रॉपर तरीके से. मैं इसका फिलहाल तो वो वाला वीडियो लगा दूंगी जिसको मैं दिखा चुकी हूँ इसको. लेकिन क्योंकि ये अजरक प्रिंट की साड़ी है और इसका कलर इतना डिफरेंट है, मैंने आपसे लास्ट वीडियो में बात करी थी कि मैं हमेशा साड़ी को स्पेशली कलर और उसका प्रिंट देख के लेती हूँ. तो इसका कलर और प्रिंट इतना डिफरेंट है कि जब भी आप पहन के जाओगे आप नॉर्मल लोगों से अलग लगोगे. ऐसा होता है ना, जनरली हमारा एक पर्सपेक्टिव बना हुआ है, हमें क्या लगता है कि जो बड़ी एज की लड़कियां हैं, जो बड़ी एज की लेडीज़ हैं, जो हमारी मम्मी टाइप की लोग हैं, वही कॉटन की साड़ी पहनती हैं, जो हम टाइप की हैं वो शिफॉन या जॉर्जेट पहनती हैं. तो जब हमारे टाइप की लड़कियां, लाइक हम लोग की जो 30-35 वाली जो एज की, इस वाली एज की जो लड़कियां हैं, जब वो इस टाइप की वो साड़ियाँ पहनती हैं, तो वो उन पर एक अलग ही ग्रेसफुल तरीके से निकल के आती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं. तो आप ऐसा कुछ ट्राई करना, डिफरेंट लगेंगी. लाइक आपकी सहेली, दोस्त, कुछ भी, कोई भी बहन, दूर दूर तक कोई पहना हुआ नहीं दिखेगा. सबसे बेस्ट बात है कि काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में है. लाइक मैंने सारी साड़ियाँ 500 के अंदर पिक करी होंगी, या मैक्सिमम कुछ गई होगी तो 600 गई होगी, इससे ऊपर कुछ नहीं गया है. जब हम लोग डेली जॉब जाते हैं या फिर कहीं ऑफिस जा रहे हैं, कहीं स्कूल पढ़ाने जा रहे हैं, किसी भी से आप अगर बाहर जा रहे हो, डेली आप जॉब कर रहे हो, तो ऐसे साड़ियाँ आपको चाहिए होती हैं इसे बार बार चेंज करने के लिए. तो हाँ, इस टाइप की साड़ी आप अपने पास रख सकते हैं अपने कलेक्शन में, वो थोड़ी सी डिफरेंट लगेंगी. जो आपकी रेगुलर साड़ी होती हैं उन सबसे डिफरेंट लगेंगी. मेरा कलेक्शन इसी टाइप की साड़ियों का, बिकॉज मुझे ये साड़ियाँ, इस टाइप के प्रिंट बहुत अच्छे लगते हैं. इसी टाइप के एक प्रिंट की ये साड़ी, ये साड़ी की मैं क्या तारीफ करूँ यार. आप इसका फुल लुक देखिए, ये इसका बॉर्डर है ये ऐसा, एंड इसका ऑल ओवर प्रिंट जो है वो ऐसा है. इतनी ज़्यादा सुंदर लगती है ये साड़ी पहन के. मैं इसका कोई फोटो या वीडियो लगाऊंगी. इसका प्रॉपर मैंने ब्लाउज़ अभी नहीं स्टिच करवाया है, मैं स्टिच करवा लूँगी. बट इसमें ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है, इसमें इतने सारे कलर, येलो है, ऑरेंज है, ब्लू है, ब्लैक है, किसी पे भी पहनूंगी तो फिलहाल तो मेरा काम चल जाएगा, इसलिए फ़िलहाल स्टिच नहीं करवाया है. एंड जो इसका पल्लू है, आई थिंक ये है पल्लू, यस. तो ये जो इसका पल्लू है ये ऐसा, इसमें ऐसे वाले वो बने हैं कि कितना
करना ज़्यादा प्यारा लगता है। मेरा फ़ोन जो है ना वो काफ़ी ख़राब हो गया, मतलब ब्लर आने लगी इमेज, लेकिन तब भी दिख रहा होगा। यस, तो ये इसका पल्लू है एंड ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इनके जो प्रिंट्स हैं वो जनरली हमें नॉर्मल साड़ियों में देखने को नहीं मिलते हैं। लाइक मैंने ये साड़ी पहन रखी है, ये भी इस हॉल की एक साड़ी है, क्योंकि 10 साड़ियाँ हैं, 10 साड़ी में एक ये साड़ी भी है। इस साड़ी का फैब्रिक, मैं इसकी बात कर लेती हूँ थोड़ी सी। इस साड़ी का जो फैब्रिक है शिफॉन है, और इसमें हल्के हल्के सी साटन पट्टा है, मतलब साटन पट्टा दे रखा है, आजकल साटन पट्टा बहुत चल रहा है। एंड इसके जो फैब्रिक है इसमें हल्की सी शीमर या शाइन है, मतलब आप देख रहे होंगे। इसे आप स्कूल, कॉलेज या जहाँ जा रहे हैं उस पर्पज़ से तो यूज़ कर ही सकते हैं। प्लस अगर आप हाउसवाइफ हैं लेकिन फिर भी बच्चों को लेने जाना, कोचिंग से छोड़ने जाना और मार्केट जाना, बहुत सारे काम होते हैं ना, मतलब हम लोग अगर बाहर, घर में जो लड़कियां होती हैं उन्हें भी काफ़ी सारे काम होते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आजकल लड़कियां वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं, लाइक रील बना रही हैं, वीडियो बना रही हैं, वो भी वर्क फ्रॉम होम है। तो उन लड़कियों के लिए बहुत बेस्ट साड़ी है, लाइक 500 की या 600 की है, लेकिन बहुत रेंज वाइज बहुत अच्छी है, बॉडी से बिल्कुल चिपक जाती है। ये इसकी मैचिंग भी, मैंने ब्लाउज, मैंने बहुत कम ऐसा होता है मैं साड़ी की मैचिंग का ब्लाउज स्टिच करवाऊँ, इसलिए मैंने इसकी मैचिंग का ये ब्लाउज स्टिच करवाया है। हल्की से बस यहाँ पर एक डिटेल दी है और हाथ इसके आस्तीन तो कुछ ऐसी रखी। इन दिनों मैं स्लीव्स पे स्पेशल ध्यान देने लगी हूँ, स्लीव्स वाले ब्लाउज स्टिच करवाने लग गई हूँ, बिकॉज आप लोगों की शिकायत थी कि आप स्लीवलेस ब्लाउज दिखाते हैं, स्लीवलेस दिखाते हैं। तो मुझे लगा कि सही बात है, जो लड़कियाँ स्लीवलेस ब्लाउज नहीं पहनती तो उनके लिए स्लीव्स वाला ऑप्शन लेके आया जाए। तो ऐसा कुछ इसका ब्लाउज, इसका ट्राई ऑन भी दिखा दूंगी एंड इसका ट्राई ऑन भी दिखा दूंगी। अब क्योंकि हम लोग कॉटन की साड़ी से जॉर्जेट शिफॉन की साड़ी पे आ गए हैं, तो ये साड़ी जो है साटन पट्टा की, ऐसी एक साटन पट्टा की साड़ी ये वाली है, काफ़ी पॉपुलर साड़ी फ्लिपकार्ट पे, मीशो पे, अगर आप लोग स्क्रॉल करते रहते हैं, अगर आप लोग ऑनलाइन सर्च करते हैं साड़ी आपने देखी होगी। लेकिन हाँ, अगर आपने नहीं ली है देन एक बार इसको भी ट्राई करना। 400 की साड़ी है, 3 कलर अवेलेबल है इसमें, येलो कलर आता है, एक पीच टाइप का कलर आता है, एक पिंक कलर भी आता है। यस, मैंने इसको इस कलर में लिया था ऑफिस के पर्पज़ से, स्कूल के पर्पज़ से। अगेन बहुत अच्छी साड़ी है, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। कपड़ा देखो का कितना ज़्यादा मक्खन टाइप का है, ये जो साटन पट्टा है इसका बहुत अच्छा लगता है। कलर आप अपने हिसाब से येलो चूज कर सकते हैं, येलो भी बहुत प्यारा लगता है। तो अगर आप स्कूल पर्पज से या ऑफिस पर्पज से चूज कर रहे हैं देन डू ट्राई दिस, ये भी काफ़ी अच्छी साड़ी अफोर्डेबल रेंज में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट साड़ी की। सो नेक्स्ट साड़ी ये ब्लैक कलर की लिनन की साड़ी है। मैंने पता नहीं इसका कोई लुक शेयर करा है कि नहीं करा अभी तक, मैंने इसको आपको दिखाने के पर्पज़ से ही ली थी। एंड प्लस ब्लैक कलर है, जिन्हें जेड ब्लैक कलर पसंद है उनके लिए तो क्या गजब की साड़ी है। लिनन की साड़ी है, बॉडी हगिंग है फुल, इसमें सिल्वर कलर का बॉर्डर दे रखा है और इसका पल्ला देखो। मतलब मैंने इसे ये सोच के लिया था कि मैं इसे जितने दिन पहनूंगी उतनी पहनूंगी, फिर मैं इसकी कुछ कुर्ती वगैरह बनवा लूँगी। इसका पल्ला देखो कितना प्यारा लग रहा है, जैसे कोई स्कार्फ वगैरह बना के भी हम लोग इसका, मतलब जब ये कुछ ख़राब हो जाए या कुछ हमें करना हो इसका, मैंने सोचा है मैं इसे कुर्ती बनवाऊँगी। ये देखिए इसका फुल, इसमें फुल इस टाइप का प्रिंट है और ये बहुत सुंदर लगती है, बहुत ज़्यादा पहन के तो मतलब बिल्कुल बॉडी से चिपक जाती है। मैं जितनी साड़ियाँ बता रही हूँ बिकॉज मैं खुद भी एल या एक्सेल रेंज की वो हूँ, तो मैं ज़्यादातर साड़ियाँ मैं भी ऐसी देखती हूँ, बिकॉज मुझे कॉटन बहुत पसंद है, कॉटन की साड़ियाँ उनके प्रिंट्स बहुत पसंद है। तो मैं साड़ियाँ ऐसी देखती हूँ जो बॉडी हगिंग हो, मतलब कॉटन की तो बट बॉडी हगिंग हो, जिससे हम और डबल फूले हुए ना लगें। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं, ब्लैक अगर कलर आपका फेवरेट है या ब्लैक कलर अगर आप पहनते हैं, बिकॉज बहुत लोग हैं ब्लैक कलर नहीं पहना जाता है। हाँ, तो काफ़ी अच्छी साड़ी है, इसे आप ब्लैक वाइट ब्लाउज के साथ पहन सकते हैं, इसका बेस कलर ब्लैक है, आप इसे ब्लैक के साथ पहन सकते हैं, इसे आप रेड के संग मरून के संग पहनिए, बहुत ज़बरदस्त लगेगी। सो आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं। तो बात करते हैं हम अपनी नेक्स्ट साड़ी की। ये साड़ी मैंने अभी भी ली है, मेरी रीसेंट परचेस है और ये साड़ी बहुत प्यारी है। आप सोच रहे हो कि मैं अपनी हर साड़ी को प्यारी बोल रही हूँ, मेरी ना साड़ी मेरा बहुत बड़ा वाला प्यार है, बहुत मतलब मुझे साड़ी से बहुत प्यार है। तो इसका मैं आँचल दिखाती हूँ, पल्ला दिखाती हूँ। इसका पल्ला देखो कितना सुंदर है, ग्रे और रेड कलर का है। इससे मैंने अभी स्टाइल नहीं करी है एक बार भी, मतलब मैंने अभी हाँ नहीं करी है, लेकिन मैं आपको अब जो ऑफिस लुक या जो भी वो लेके आऊँगी वीडियो, ऑफिस साड़ी लुक या समर के ऑफिस लुक, समर तब जा चुका है लेकिन हाँ समर और रेनी सीजन ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, और उनके लिए साड़ियाँ सबसे बेस्ट होती हैं। कॉटन की साड़ियाँ होती हैं, काफ़ी ब्रीदेबल फैब्रिक होता है इनका और रेंज वाइज बहुत अच्छी होती है, मतलब 500 मैक्सिमम 600 तक मैं हर साड़ी में गई हूँ बस आपकी। तो ये वाली जो साड़ी है इसको देखिए, इस तरह से ये इस तरह का प्रिंट है, इस तरह का इसका बॉर्डर है एंड इसका पल्लू, इसके पल्लू के कारण मैंने इस साड़ी को लिया था, बहुत बहुत प्यारी लगती है।
बात करते हैं अपनी नेक्स्ट साड़ी की। नेक्स्ट साड़ी है ये, इसका बेस कलर जो है, ये इसका फैब्रिक, मैं ये कहूँगी फैब्रिक बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, एंड इसमें ऐसे फुलवारे फुलवरिया बनी हुई है, और इसका ये बॉर्डर है वो येलो कलर का इस तरह का, लेकिन ये साड़ी पहन के बहुत ग्रेसफुल लगती है। मैंने इससे पहले इसका वीडियो डालने वाली थी, मैं तैयार हो गई थी, लेकिन उस दिन मेरे घर पर मेहमान आ गए थे तो मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी। ऑल ओवर साड़ी बिल्कुल एक जैसी है, इसका पल्लू जो है वो प्लेन है, एंड इसका ब्लाउज मैं स्टिच करवा चुकी हूँ। अगेन इन सब की वीडियो जब मैं अपने घर जाऊंगी वापस से, अपने ससुराल मतलब यहीं आऊंगी वापस से, अभी तो मैं अपने मायके जा रही हूँ, और ये सारे वीडियो आएंगे मेरे मायके से आपके पास, लेकिन जब मैं वापस अपने ससुराल आऊंगी यहाँ आऊंगी मतलब 20-25 दिन बाद, तब इनके मैं आपको ट्राई वो दिखाऊंगी, इनके ऑफिस लुक साड़ी लुक जो भी दिखाऊंगी तब दिखाऊंगी, अभी तब तक के लिए आपको ऐसे संतोष करना होगा। तो ये इसका पल्लू वाला पार्ट है, ये बिल्कुल प्लेन है, एंड ये ऑल ओवर साड़ी कुछ ऐसी है, बिल्कुल पूरी एक जैसी है, ये देखिए पूरी एक जैसी। एंड इसका जो फैब्रिक है वो बहुत ज़्यादा वैसा अच्छा तो नहीं है, मैं कहूँगी कॉटन वाला नहीं है। हाँ बेटा सारा बाहर गई है, 2 मिनट रुक जाओ बेटा। हाँ ये साड़ी ट्राई करने लायक है, बिकॉज 350 की है, और 350 रुपये में इतना प्यारा प्रिंट मिल रहा है, तो और क्या चाहिए। ओके सो इस हॉल की फाइनली लास्ट साड़ी, मुंह पे पसीना देखो जरा, बिल्कुल हाइलाइटर का काम कर रहा है, मतलब इतनी गजब वाली कड़ाके वाली गर्मी पड़ रही है, बाहर बारिश हो रही है और अंदर इतनी तेज गर्मी है, तो ऑफिस की बात हो रही है, स्कूल की बात हो रही है, हम इंडिगो प्रिंट को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं। इंडिगो प्रिंट की मेरे पास 3 साड़ियाँ हैं, तो एक इंडिगो प्रिंट एक साड़ी आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, 600 या 700 की साड़ी। अगेन इसका प्रिंट देख लो, इसका कलर देख लो, और ये साड़ी तो मैंने कई बार आपके सामने स्टाइल भी करी है, पहनी भी है। हाँ एक वीडियो लाने वाली हूँ हाउ टू स्टाइल इंडिगो साड़ी, बिकॉज इंडिगो साड़ी को स्टाइल करने के मुझे लगता है सबसे ज़्यादा तरीके होते हैं, इतने सारे मतलब किसी भी कलर के संग, आपने भी आप ब्लू के संग पहन लो, आप रेड के संग पहन लो, आप येलो के संग पहन लो, सबके संग वाइट के संग पहन लो, बहुत ग्रेसफुल लगता है। तो इंडिगो एक स्कूल गोइंग गर्ल्स होती हैं या ऑफिस गोइंग गर्ल्स होती हैं, उनके लिए तो मस्ट है साड़ी है ये, तो एक साड़ी आपके पास ऐसी भी होनी चाहिए। ओके सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगेन एक बार फिर से रिपीट करूंगी कि मैंने कभी हॉल वीडियो नहीं शूट करे हैं, मैं फर्स्ट टाइम शूट कर रही हूँ, आई थिंक सेकंड टाइम शूट कर रही हूँ मेरे चैनल पर, इससे पहले भी एक बार कर चुकी हूँ, तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है कि किस तरह से बताया जाता है, क्या बताया जाता है, बस ट्राई ऑन वाले दिखाती जा रही हूँ एंड साड़ी और उनके प्राइस बता रही हूँ। मुझे मैं खुद किसी के उसमें हॉल में बस यही देखती हूँ प्रिंट कैसा है, कलर कैसा है, ये सब ट्राई ऑन में दिख ही जाता है, और प्राइस देखती हूँ, बिकॉज मेन मुद्दे की बात तो यही होती है हमारे, तो वो सब तो मैं बता दूँगी। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इन सब साड़ियों की स्टाइलिंग वाला वीडियो भी अब आपका आएगा, मुझे नहीं पता मतलब 1 वीक के बाद आ जाएगा शायद, जब भी वीडियो डलेगा उसके 1 वीक के बाद या फिर और 10-12 दिन बाद आ जाएगा, लेकिन आ जाएगा। तो 2 बार बोल चुकी हूँ, लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।